जी और मस्करा रिपोर्टर के विशाल चौहान जी है। देखिए किस तरह से भाग रही है लोग। देखिए एक औरत नहीं है यहाँ पे, ये पटना का। यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है? पूछो ना। एक वही है, वही है आप? वही के मतलब कितना लेबू? हजारिया तो हजारिया, हजारिया के तो रुको ना भाई, जगह पुलिस है, लो देखते हो कोतवाली थाना। जब पुलिस आई तो भागा। आप देख सकते हैं ये लोग कैसे भाग रही थी। जैसे ही यहाँ पे 12 बजता है वैसे ही रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बैठा बैठा टेम्पो पर मेरे जगह पे चलिए। कि आप जब पटना जंक्शन आते हैं तो आप सचेत होकर आए, अपना बटुआ संभाल कर रखें, अपना अपना जो अंदर का जो हवस होता है उसको भी संभाल कर रखें। और यहाँ पे एक दो औरतें नहीं, लगभग देखिए आप, देखिए जितनी भी औरतें वहाँ पे खड़ी है, देखिए ये लोग सब का यही काम है। कौन होटल? चलो संतोष चलो लावा। चलो ना होटल बा, लाओ ना 500। चलो होटल बा चलोगी तब ना। है जो भी आते जाते लोग रहते हैं उनको पकड़ के बोलती है कि 500 में मेरे साथ चलो, 1000 में मेरे, 1000 दो मेरे साथ चलो। और उनके साथ ऐसा होता है कि कभी उनका पर्स वो लूट लेती है। तो बड़ी देखा ही, कितना ले? कहाँ से जाइएगा? हाँ मेरा जगह पे पटेल नगर। पटेल नगर होटल जाते? कहाँ जाइएगा? होटल में। कौन होटल? बगल में एजेंसी। कौन होटल? एजेंसी। कौन होटल? कौन होटल नाम बताबू तो ना एक आदमी के किसमें नाम चले कैसे चला कैसे चलिएगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम पटना जंक्शन पे हैं और रात का कितना बज रहा है ये पहले मैं दिखा देता हूँ। रात का 1:39 हो रहा है, ये आप देख सकते हैं हो रहा है। कैसे चलेगी? कैसे चले के? हम गाड़ी उड़ी से नहीं है, पैदल चलिए। किधर से आओ? एक आदमी, हम सिंगल हैं। 500 होटल लगता है। 500 होटल और तुम्हारा? मैं टोटल 1500। पटना जंक्शन अब पटना जंक्शन नहीं रहा, ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है। ये यहाँ पे जैसे ही रात होता है ये रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। होटल चलना है? होटल चलना है कि बाहर? बाहर मतलब माने रोड पे? रोड पे, रोड पे 500। चलो चोर से लेके पकुट से लेके रंडी से लेके दो नंबर से लेके सब मिला रहता है, सरकार से लेके सब मिला रहता है, सब मिला हुआ रहता। कौन होटल? संतोष कृष्णा। कहाँ पे है? पोपटी है। कर भी गई है? हाँ, तब जानिए। होटल कितना लेगा? 400 लेगा। और आप कितना? 1000। 1400 टोटल। हाँ। 500 और 500 होटल, 1500 टोटल दोनों। 600 होटल, 500 1100 में दोनों। 1100 में टोटल काम दोनों ना अभी ना। क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही? नहीं नहीं रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए, आपसे आराम से बात किया जा रहा है। आप रात में यही सब गंदा काम करती है, पूरे पटना को खराब की हुई है, वो भी बीच चौराहे पे। ये अभी 500,000 रुपया मांग रही थी और आपसे भी मांगी है। हाँ, अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं युवराज जी और मस्करा रिपोर्टर के विशाल चौहान जी है। देखिए किस तरह से भाग रही है लोग। देखिए एक औरत नहीं है यहाँ पे, ये पटना का जैसे ही 12 बजता है ये नेस्लाइट जैसे ही यहाँ पे रात होता है रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये लोग कैसे भाग रही थी। जैसे ही यहाँ पे 12 बजता है वैसे ही रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक दो औरतें नहीं, लगभग देखिए आप, देखिए जितनी भी औरतें वहाँ पे खड़ी है, देखिए ये लोग सब का यही काम है। इधर भी है, चलिए इनसे भी बात करते हैं। क्या सुनिए सुनिए, आप लोग क्या कर सकती है? हम लोग आए हैं ट्रेन में जा रही है तो भाग सब रही थी तो सब है, उस सब के जगह पकड़िए। यहाँ यही होते रहता है हमेशा। आप बताइए उस सब के जगह यही यही चलते रहता है यहाँ पे ब्रिज पटना में। जगह
इधर नहीं है, मतलब बोल रही है। अच्छा ये एक शख्स मिल गया, ये नहीं नहीं क्या नहीं नहीं भाई, आपको बोलना पड़ेगा क्या हुआ था। आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, ठीक है, चेहरा ब्लर कर देंगे। आप देखते रहिए, देखिए एक शख्स है हमारे साथ जो अभी ये बता रहे थे कि मुझसे भी 500 रुपया मांग रही थी और ये लोग 500 रुपया में धंधा करती है। पटना जंक्शन पे जैसे ही 12 बजता है वैसे ही इन लोग का कारनामा शुरू हो जाता है। देखिए वो सब नौटंकी मत करो। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम पटना जंक्शन पे हैं और रात का कितना बज रहा है ये पहले मैं दिखा देता हूँ। रात का 1:39 हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस समय हम लोग आए हुए हैं पटना जंक्शन। पटना जंक्शन अब पटना जंक्शन नहीं रहा, ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है। ये यहाँ पे जैसे ही रात होता है ये रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे सेक्स वर्कर का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि अगर उन पे आप उंगली उठाइएगा तो आप जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ तक ये नौबत होता है और ये सब होता है, यहाँ पे जो पुलिस रहती है, जो पेट्रोलिंग पुलिस का जो टीम रहती है उसके नाक के नीचे होता है, उनकी जिप्सी लगी हुई होती है और उनके आँख के सामने होता है। जब तक आपका जान नहीं जाएगा तब तक वो सामने नहीं आएगी। हमारे साथ करिश्मा जी हैं, अभी जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे जो दिखाने का प्रयास कर रहे थे और जो हमारे व्यूअर हैं उनको हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप जब पटना जंक्शन आते हैं तो आप सचेत होकर आएं, अपना बटुआ संभाल कर रखें, अपना जो अंदर का जो हवस होता है उसको भी संभाल कर रखें। ये नहीं कि हवस के चक्कर में आप अपना सब चीज लुटा देते हैं और बाद में बोल भी नहीं पाते हैं, पिट के भी जाते हैं, लुट के भी जाते हैं लेकिन बोल भी नहीं पाते। हमारे साथ महिला रिपोर्टर यहाँ पे है, मौजूद है करिश्मा जी, क्या कुछ यहाँ होता है करिश्मा जी थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये हम बोलना चाहेंगे कि जब यहाँ पे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं तब जो पुलिस प्रशासन होते हैं वो तुरंत चालान काटने के लिए बोल देते हैं। यहाँ तक कि पटना में इतना सारा कैमरा लगा दिया गया है चालान काटने के लिए, लेकिन यहाँ हर चौराहे पटना जंक्शन पे अभी है, यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ मंदिर है और यहाँ से एक कदम की दूरी पे आपको यहाँ पे हजारों लड़कियां मिल जाएगी जो खड़ी रहती है और कभी जो भी आते जाते लोग रहते हैं उनको पकड़ के बोलती है कि 500 में मेरे साथ चलो, 1000 में मेरे, 1000 दो मेरे साथ चलो। और उनके साथ ऐसा होता है कि कभी उनका पर्स वो लूट लेती है। अभी जिस तरह से हम भी अभी रांची से आ रहे थे और जंक्शन पे मौजूद थे, यहाँ पे और भी रिपोर्टर्स थे तो ये लोग बोले कि देखिए ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है, तो मैंने चलिए कवर करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। ये गए, ये कस्टमर बन के ही उनसे बात करने गए, वीडियो में तो आप देख ही होंगे कस्टमर बन के बात करने गए। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक औरत नहीं भागती है, निकल के 3-4 औरत भागती है और उन लोगों के बाद वहाँ पे जो क्या बोले वहाँ पे और भी सेक्स वर्कर रहती है वो बोलती है कि रिकॉर्डिंग कीजिएगा, लीजिए हम अपना कपड़ा खोल के दिखाने लगते थे कि कीजिए कितना रिकॉर्डिंग कीजिएगा। और हालत ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे अगर जो लोग हैं तो वो लोग उनको पकड़ के मारने भी नहीं, लोगों की गलती है कि लोग कुछ बोलते नहीं है। यहाँ पे ये जो भीड़ देख रहे हैं ना ये लोग तमाशा देखने के लिए रहेंगे लेकिन बोलने के लिए नहीं रहेंगे। वो लोग हम पे भी हाथ उठाने का कोशिश की लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। क्या बोलना है आपको? कोई बोलने वाला नहीं है और सबसे बड़ी प्रशासन की गलती है। जैसे आप हर नियम बनाया है तो यहाँ पे भी नियम बनाइए ना। जब लोगों से यहाँ पे बात किए तो लोग ये बोल रहे हैं युवराज आए कि यहाँ पे तो पुलिस ही मिली हुई रहती है। बताइए पुलिस की बात आई तो एक बात और बोलना चाहते हैं, जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है छोटा छोटा अक्षर में लिखा होता है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है और इतनी बड़ी चलान आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े 6-6 फुट की महिलाएं यहां पर आकर के कौन इनको बोलेगा? महिलाएं बोलने लायक है ये लोग? महिलाएं बोलने लायक ही नहीं है ये लोग? यह क्या चीज, यहाँ पे कोठा वोठा पटना जंक्शन कहीं का कोठा है, इसको लोग कोठा समझ के रख लिया है? बताइए बिहार की राजधानी है और यहाँ पे ऐसा काम होता है? कोई जंक्शन से अच्छे आदमी उतरेंगे तो यही बोलेंगे ना कि यहाँ गली गली यही सब होते रहता है। बिल्कुल। और पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस यहाँ पे घूम रही है लेकिन पुलिस यहाँ के लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पुलिस इन लोग से मिली हुई रहती है इसीलिए ऐसे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जैसे बिहार का छवि आप देखने का, इसको यहाँ पे गांधी जी देवल जाता है, चोर से लेके पकुट से लेके रंडी से लेके दो नंबर से लेके सब मिला रहता है, सरकार से लेके सब मिला रहता है, सब मिला हुआ रहता है। ये नहीं समझिएगा कि आप बोले ना कि रांची से आ रहे हैं, मैं बात का आपका गेसिंग किया, देखिए पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन आपका बात बहुत समझा हूँ, इसलिए कि ये बिहार का राजधानी आप बोल रहे हैं ना,
बिहार का। तो देखिए ये बिहार की राजधानी पटना है और जैसे ही पटना उतरिएगा पटना का छवि आपको दिख जाएगा कि पटना का किस तरह से छवि है। और यही बात है कि आपको नंबर प्लेट दिख जाता है पुलिस को, बिहार पुलिस को जो नंबर प्लेट होता है गाड़ी का छोटा छोटा अक्षर होता है वो दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे 6-6 फुट की औरतें आती है, लड़कियां आती है, सेक्स वर्क करती है और लूट कर चली जाती है और पुलिस तमाशा देखते रहती है, पीटते हुए देखते रहती है, लेकिन कुछ भी उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और जो भी प्रतिक्रिया होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।